तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट ऑफ द वीक 511 जो दोस्तों आज ही RC22 में ऐड हुआ है दोस्तों उसकी पूरी रिव्यू करने वाले हैं हम। टाइमिंग, पोजीशन, प्लेसमेंट और खरीदना चाहिए या नहीं, बहुत ही अच्छे तरह से दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख ले ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों शॉर्ट ऑफ द वीक है तो हमें क्विस्ट में ही मिल जाएगा। देख लीजिए ए वाला शॉर्ट है 511, गोल्ड शॉर्ट है, हमें 8 फ्रेगमेंट देने पड़ेंगे जो कि हमारे पास है। और हम देख लीजिए इसे परचेज भी करते हैं और हमारा परचेज हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसे शॉर्ट मैप में अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 o'clock पे दोस्तों आपको स्पेशल शॉर्ट 511 मिलेगा भाई, सारे बैट्समैन्स के लिए अवेलेबल है। और भाई इसे सेव कर देना है। तो दोस्तों अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कि किस किस लेंथ पे शॉर्ट हम खेल सकते हैं, कनेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं यार्कर पे, तो देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। तो देख लीजिए आपके सामने प्रूफ है, यार्कर को भी ये कनेक्ट कर लिया अच्छे तरह से। अब देखते हैं हम फुलर लेंथ पे, देख लीजिए फुलर लेंथ पे बॉल है और देखिए इसको भी भाई हमने कनेक्ट कर दिया है, दो कंफर्म हो गया भाई। अब गुड लेंथ पे देखते हैं, देख लीजिए तेज गेंदबाज है भाई, गुड लेंथ को भी आप कनेक्ट कर दिए। एक शॉट से भाई आप 3 लेंथ को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोजीशन की कि किस पोजीशन पे हमें इस शॉट को खेलना चाहिए। तो भाई कोई भी गेंदबाज हो, फास्टर या स्पिनर, आपको भाई बॉल से एक स्टेप की दूरी रखना है। आप देख सकते हैं वीडियो में एक स्टेप की दूरी रखी और शॉट को खेलिए, बहुत ही तगड़े अंदाज में कनेक्ट होगा। एक स्टेप की दूरी रखना है इस शॉट के लिए भाई, ये पोजीशन हो गया आपका। दोस्तों अब बात करते हैं टाइमिंग का कि किस तरह से इसे परफेक्ट टाइमिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे और बॉल थोड़ी सी धीमी है और देख लीजिए बॉल जब एकदम हाफ पी से थोड़ी सी आगे जाएगा, धीमी रहे तब आपको बल्ला चलाना है, स्पेशल शॉट खेलना है, तब जाके कनेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर दोस्तों एकदम धीमी रहे गेंद तो दोस्तों आपको पीच होने से पहले खेलना है, एकदम पीच होने से पहले खेलना है। तो भाई अब फास्ट गेंदबाज को देखते हैं, तो देख लीजिए नोकिया तेज गेंदबाज और तेज गेंद भाई, तेज गेंद पे भाई बहुत जल्दी बल्ला चलाना है, बॉल छूटने से पहले आपको बल्ला चला देना है। देख लीजिए और देख लीजिए कनेक्शन भी बहुत तगड़ा होगा भाई, बहुत ही जल्दी आपको बल्ला चलाना है भाई। एक बार जाके नेट पे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन शॉट का भाई, तब जाके कनेक्शन अच्छा से कर पाइएगा भाई। शॉट को नेट पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तब जाके आप टाइम दे पाइएगा। दोस्तों अगर आपको टाइमिंग पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में अगर टाइमिंग का पूरा भाई डिटेल दूंगा तो भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा भाई। ये भाई एक शॉट 3-3 लेंथ को कनेक्ट कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा शॉट है भाई ये। ऊपर से मल्टीप्लेयर में भाई ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा अगर आप टाइमिंग अच्छा से कर लेते हैं तो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस शॉट को खरीदना चाहिए, 10 में से मैं इसको 9 की रेटिंग दूंगा दोस्तों, क्योंकि 3 लेंथ को कनेक्ट कर रहा है। और वीडियो अच्छी लगी तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।